आपने देखे ना, ये मेरे बालकनी के वो रूप हैं जो मैं पहले कर चुकी हूँ। तो अब की से जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जब हम यूएस गए थे तो बालकनी पूरी खाली करके गए थे, तो नए सिरे से सजाना है। तो अब की से मैंने सोचा कि चलो और बिल्कुल जब नई तरह से कर ही रहे हैं तो बिल्कुल एक ब्लैंक कैनवस पे नए तरह से सजाते हैं। तो कई चीज़ें तो मैं बना चुकी हूँ बालकनी के लिए, आपको शेयर किया हुआ है पिछले 2-3 वीडियोस से। अरे यार, बालकनी में बड़ा शोर होता है वैसे तो, लेकिन मज़ा भी बालकनी में ही आता है। मुझे तो दुनिया की सारी खुशी ना पेड़ पौधों के बीच में अपनी बालकनी में ही मिलती है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि बालकनी सजाने के लिए तो 2-3 चीज़ें तो शेयर करी हुई हैं, और अब आज और आगे क्या करने वाले हैं ये दिखाती हूँ मैं आपको कि और नीला और ब्लू कलर जो ला रहे हैं बालकनी में तो वो और कहाँ कहाँ कैसे ब्लू कलर ला रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं बना चुकी हूँ। देखिए, ये एक सन कैचर बनाया था, और ये एक पुराने ये सोइल को कलर करके बिल्कुल ये ब्लू एंड ग्रीन वाला जो थीम है मेरा उसका कर लिया था। ये तो बहुत ही खूबसूरत सा इसका मेकओवर हो गया है ये। और एक ये ईविल आई मैंने पहले बनाया था, लेकिन कलर चूँकि मेरे बालकनी गार्डन से मैच करते हैं इसलिए वहाँ लगा लूँगी मैं ये। और ये भी मैंने पहले बनाए थे टूटे मग्स वगैरह को कलर करके ब्लू पॉटरी जैसा बनाया था। तो अब आगे क्या करना है ये देखिए। अब कुछ साल पहले मैंने ये प्लास्टिक के पॉट्स खरीदे थे, तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी के निकले कि ये खराब होने का नाम ही नहीं ले रहा है, टूट ही नहीं रहा है। लेकिन अब बार बार बहुत साल तक रखो तो मुझे तो लगता है नहीं, कुछ चेंज करना है अब। तो पिछले साल मैंने ये मार्कर से करके इसमें ऐसे पैटर्न बना लिया था। तो जब मैंने अपना बालकनी थी ब्लैक एंड वाइट रखा था तब, तो ये कर लिया था। और अब मैं करने वाली हूँ फिर से ब्लू कलर का अपना। तो अब ब्लू पॉट्स तो नहीं खरीदने वाले ना, कितना खरीदेंगे, ये तो है ही है। तो मैं क्या करूँगी, इन्हीं को मैं पेंट कर लूँगी। तो जैसे ये एक तरफ किया था ना, और जब मुझे वाइट रखना होता है तो मैं इधर कर लेती हूँ, और ये चाहिए तो इधर। तो अब मैं क्या करूँगी, ये तो है ही है, इसके बगल में यहाँ पे इतने में मैं ब्लू कलर से पेंट कर लूँगी। तो जब मुझे वाइट रखना होगा तो ये रख लेंगे, ब्लू रखना होगा तो ये रख लेंगे, और प्लेन वाइट चाहिए तो भी ये प्लेन वाइट आ जाएगा। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरह से कैसे मैं पेंट करने जा रही हूँ इसको। अब चूंकि मुझे एक ही पॉट को कई तरह से यूज़ करना है ना, तो इसलिए बिल्कुल वेस्टेज ना हो जाए जगह की इसमें। तो जो ब्लैक मैंने पेंट किया था उसके बिल्कुल बगल में ये जो ब्लू पॉटरी के कलर्स होते हैं ये मैं लेके इनसे पेंट करना शुरू करूँगी। ये मैंने नॉर्मल फैब्रिक कलर जो होते हैं वो लिए हैं, और फैब्रिक कलर में अगर आप पानी ना मिक्स करें, जैसा बॉटल में रहता है उसी तरह से यूज़ करें, तो ये छूटता भी नहीं है। कि आप पानी भी इसमें डालोगे तो ये छूटता नहीं है। तो बस इसी तरह से फ्री हैंड मैंने ये इस तरह से फ्लावर बना लूँगी मैं। ये कैसी भी शेप का फ्लावर बनाइए आप फ्री हैंड, लेकिन अगर आप उसको ऑड नंबर में रखते हैं ना पेटल्स को, जैसे 5 या 7, तो फिर वो फ्लावर अच्छा दिखने ही लगता है। तो इसी तरह से मैंने ये जो इस ब्लू कलर होता है इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो उससे मैं ये इतने पोर्शन में ही पहले फ्लावर्स बना लूँगी। इतने ही पोर्शन में इसलिए क्योंकि यही फ्रंट में आने वाला है, और कल को मेरा मन अगर कोई और कॉम्बिनेशन का करेगा कि जैसे रेड या ऑरेंज, तो फिर जो दूसरी साइड बचेगी वहाँ मैं ये दूसरा कलर कर लूँगी। अब जो ये ऐसे फ्लावर्स बना लिए ना, इसको मैंने एक लाइटर शेड से फिल कर दिया है, कहीं कोई डार्क ब्लू से फिल कर दिया और कोई लाइट ब्लू से फिल कर दिया, और कुछ को ऐसे वाइट ही छोड़ दिया है। तो इससे बिल्कुल एक ही तरह के फ्लावर बने, लेकिन लगने लगता है कि देखो अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं ये।
और उसके बाद ग्रीन कलर से ऐसे डंडी बना दी और ऐसे लीव्स बना दी, तो ये एक तरह से पैटर्न ये बन जाएगा हमारा। फिर थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए मैंने कुछ पे और बिल्कुल जो प्रूशियन ब्लू होता है डार्क वाला ब्लू वो किसी में फिल कर दिया, और जो डार्क ब्लू से फिल करे थे उनकी आउटलाइन मैंने इस तरह से कर ली, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लगने लगा बिल्कुल ये। और ये मैं चूँकि अपना थीम मैंने ब्लू रखा है इसलिए मैं ये ब्लू कर रही हूँ, आपको जैसे कलर का चाहिए, बस ये रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हम एक ही फ्लावर को अलग अलग रूप दे सकते हैं कि लगेगा कि बहुत तरह तरह के हैं लेकिन एक्चुअली वो हैं एक ही तरह के। तो आपको अगर ऐसा करना है तो जैसा कलर का आपको स्कीम चाहिए आप उस तरह से कलर फिल कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे एक फ्री हैंड ही बटरफ्लाई भी बना दी। फिर ब्लू की मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए मैंने ये येलो कलर बीच में कर दिया, और वैसे चाहते तो रेड भी कर सकते थे लेकिन फिर मुझे लगा रेड शायद ज़्यादा ही कंट्रास्ट हो जाएगा। और देखिए इसी तरह से सिर्फ जो डंडी है उसका पैटर्न चेंज करके एक सेम फ्लावर से बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न बन गया। और वैसे अगर आपको लगता है कि आप ये फ्री हैंड या स्केच करके नहीं बना सकते हो तो और एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। फोम ब्रश ले लीजिए और उससे बस इस तरह के ऐसे डॉट डॉट रख दीजिए और ग्रीन कलर से डंडी बना दीजिए और इस तरह से ऐसे बस पत्तियाँ जैसी बना दीजिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है ये तो, और इससे कलर बहुत ही खूबसूरत से उभर के आते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा ट्रायंगुलर जैसा शेप दी थी, और उसके बाद आप चाहो तो इसी तरह से प्लेन में भी हम बना सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, तीनों इक्वली किए और उसके बाद वही डंडी बना के और बीच में इसमें मैंने स्काई ब्लू डॉट और रख दी, तो ये और अच्छा सुंदर सा लगने लगा। और ये भी देखिए ये भी एक बहुत ईजी सा पैटर्न बहुत आसानी से बन गया। और ये तो मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया कि देखिए केवल जो डंडी और लीव्स हैं उसकी शेप चेंज करके बन गया, और इसी तरह से ये भी बहुत आसानी से बन गया, इसको बनाना तो बहुत ही आसान था ये। और इसी तरह से जो फूड डिलीवरी वाले ये प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं ना, इनको भी मैंने ऐसे ही कलर कर लिया, तो ये ओवरऑल ये बहुत ही खूबसूरत सा मेरा पूरा रेडी हो गया ये, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखा आपने, ये मोटे वाले जो महंगे वाले पॉट्स होते हैं ये बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम घर में ही पेंट करके, ये नॉर्मल प्लास्टिक को पेंट करके बढ़िया खूबसूरत से ब्लू पॉटरी वाले पॉट्स बना सकते हैं। थीम कलर को और इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये स्काई ब्लू और डार्क ब्लू कलर के मार्बल्स भी लेके आई हूँ मैं, इनको भी कहीं यूज़ करेंगे। और ये जो फाउंटेन बनाया था पहले इसको फिर से नए सिरे से बनाना है, और वर्टिकल गार्डन भी नए सिरे से सजाना है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि पूरा अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।